आप सभी, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, उम्मीद करती होंगी कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। इससे पहले की दो वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें हम लोगों ने विटामिन को कवर कर दिया, यानी कि विटामिन के बारे में जान लिया है, चाहे वो विटामिन ए हो, चाहे विटामिन बी हो, चाहे विटामिन सी हो, डी हो, ई हो, सबके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया था। तो अब हम बात करते हैं, वैसे तो चैप्टर चल रहा है पोषक तत्व न्यूट्रिशन के बारे में, तो जिसमें हम लोग जिसमें हम लोगों ने विटामिन कंप्लीट कर दिया था, आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। इसके बाद की वीडियो प्रोटीन से रिलेटेड आएगी। तो चलिए, कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे पहले खासियत ये बता दो कि अगर भोजन में हम अगर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमारे शरीर में सबसे पहले डाइजेस्ट, हमारे माउथ में यानी कि पाचन जो होता है, सबसे पहले मुंह में किसका हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। ये बात आपको याद रखना है कि शरीर में सबसे पहले पाचन किसका होता है, तो शरीर में सबसे पहले पाचन किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। चलिए अब देखते हैं कि क्या बातें लिखी गई है। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं किस चीज़ों से मिलकर बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, जिसमें इसकी मात्रा क्या होती है? कार्बन कितना होता है? 1, CH कितना होता है? 2, और O कितना होता है? 1, यानी 1:2:1 का अनुपात पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट किन चीजों से मिलकर बनी हुई है? कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई है, जिसमें 1:2:1 का इसमें क्या होता है? अनुपात देखा जाता है। आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट 60% होता है। अगर आप कोई अच्छा भोजन खा रहे हो, एक हेल्दी फूड खा रहे हो, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा आपको कितने मिलेगी? 60%। जी हाँ, अगर 100% से देखें तो 60% तो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली में मैम होते क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना, वो शुगर्स होते हैं। क्या होते हैं? शुगर होते हैं, यानी कि मीठे पदार्थ होते हैं। जैसे कि आलू की बात करूँ, आलू आप खाते हो तो आपको आलू कैसा लगता है? मीठा लगता है। शुगर की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, हम उसे कार्बोहाइड्रेट्स ही कहते हैं। ठीक है, पादप में संग्रहित भोजन, संग्रहित का मतलब क्या होता है? स्टोर करना, इकट्ठा होना। पादप यानी कि पौधे में, यानी कि प्लांट्स में, प्लांट्स में जो इकट्ठा हुए भोजन होते हैं वो क्या होता है मैम? मंड या स्टार्च के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? मंड या स्टार्च, दोनों वर्ड याद रखना है आपको। स्टार्च जो होता है इसका इंग्लिश फॉर्म है, मंड जो है इसका हिंदी फॉर्म है। यानी कि मैम, प्लांट में जो भोजन होता है किस रूप में स्टोर होता है, किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि मैम, मंड या स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। अगर यही बात मैं कहूँ कि जंतु, यानी कि हमारे, हम एक जंतु ही होते हैं, ठीक है, तो अगर आप एनिमल्स की बात कर रहे हो, यानी कि किसी भेड़ बकरी की बात कर रहे हो या ह्यूमन की बात कर रहे हो, जंतु में ही आता है। तो जंतु में स्टोर फूड कौन सा होता है हमारे अंदर? अगर हम मान लीजिए किसी शादी में गए और बहुत ज़्यादा भोजन खा लिए, तो वो कहीं ना कहीं स्टोर तो होगा ना, कहीं तो वो स्टोर होगा। तो किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो हमारे अंदर जो भोजन जो होता है स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। पादप पौधों में किस फॉर्म में होता है? स्टार्च या मंड के फॉर्म में, और हमारे में होता है ग्लाइकोजन। आपको ये टर्म याद हुआ कि नहीं हुआ? कि जब हम कुछ एक्स्ट्रा खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो शरीर को जितनी आवश्यकता होती है उतना तो यूज हो जाता है, लेकिन बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं वो तो हमारे ब्लड में स्टोर हो जाता है। तो किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होते हैं। अगर यही बात मैं प्लांट से रिलेटेड करूँ तो उसमें किस फॉर्म में स्टार्ट होता है, सॉरी स्टोर होता है? तो स्टार्च के फॉर्म में होता है। आई होप कि ये आपको चारों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इसके स्रोत क्या है? स्रोत मतलब क्या कि कार्बोहाइड्रेट्स किस में पाए जाते हैं? तो देखिए, गेहूं, चावल, मक्का, दूध, आलू, केला, गन्ना, साग, सारे मीठे चीज आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या हुआ? मीठा पदार्थ ही तो हुआ ना, सुगर्स हो गए। ठीक, अब मैं बात करती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स में कितने प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? थ्री प्रकार के, यानी तीन प्रकार के होते हैं। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, तीनों नाम पहले पढ़ लो। मोनोसैकेराइड, मोनो का अर्थ होता है, समझिए बात को, मोनो का अर्थ होता है एक, सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो शुगर के, यानी कि शुगर्स के एक मॉलिक्यूल से, एक अणु से बने होते हैं, वो मोनोसैकेराइड होते हैं। मोनो का अर्थ क्या बताया मैंने? एक। सैकेराइड का अर्थ क्या बताया मैंने? शुगर। यानी कि मैम, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो एक शुगर्स के एक अणु से मिलकर बने होते हैं उसे हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है क्या? ग्लूकोज, ठीक है। डाई मतलब होता है दो, सैकेराइड्स मतलब होता है शुगर। यानी कि मैम, डाइसैकेराइड उस कार्बोहाइड्रेट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स के वो भाग होता है जिसमें मोनोसैकेराइड के दो अणु होते हैं। किसके अणु होते हैं? मोनोसैकेराइड के जब दो अणु होते हैं उसे डाइसैकेराइड कहते हैं, और जब डाइसैकेराइड के बहुत सारे अणु होते हैं, पॉली मतलब बहुत सारा, यानी कि जब डाइसैकेराइड के बहुत सारे अणु होते हैं मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं तो उसे हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। फिर से समझिए, मोनोसैकेराइड किसे कहेंगे मैम?
जब कार्बोहाइड्रेट्स का यानी सब शुगर का एक अणु मिलके कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है तो उसे हम मोनोसैकेराइड कहेंगे। डाइसैकेराइड किसे कहेंगे? जब मोनोसैकेराइड के दो अणु मिलकर किसी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म करते हैं उसे हम डाइसैकेराइड कहेंगे। डाइसैकेराइड के बहुत सारे अणु मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। एग्जाम्पल मैंने देखा, यहाँ पे स्टार्च भी हो सकता है, ग्लाइकोजन भी हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है जो ह्यूमन में स्टोर होता है। हुआ कि नहीं क्लियर? आई होप कि आपको हो रहा होगा, क्योंकि बहुत इजी तरीके से समझाया जा रहा और कोई टफ वर्ड नहीं है, समझने के लिए बहुत ही इजी तरीका ही है। तीनों ये मैंने समझा दी। अब बात करते हैं कि मैम कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य क्या होते हैं। चलिए कार्य भी देख लेते हैं, कार्य कुछ ज्यादा है नहीं लेकिन देख लेते हैं। ग्लूकोज के रूप में ईंधन यानी एनर्जी का कार्य करता है। अच्छा, जब आप व्रत रहते हो या व्रत, हाँ मान लीजिए आप व्रत हो, तो आपको उस समय एनर्जी कहाँ से मिल रही है? ग्लाइकोजन से ही तो मिल रही है। ग्लूकोज जो आपके बॉडी में स्टोर है, जो स्टोर फूड है, उसी से तो हमको एनर्जी मिलता है। तो हम लोग नवरात्रि में 9 दिन भी व्रत रह सकते हैं। तो कहाँ से एनर्जी मिल रहा है मैम? जो हमारे अंदर ग्लाइकोजन स्टोर फॉर्म में है ना, वो हमारे अंदर एनर्जी का वर्क करता है, ईंधन का वर्क कर रहा है। यही तो बात दिखा है, ग्लूकोज के रूप में ईंधन का कार्य करता है। कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट्स। संचित भोजन यानी कि स्टोर फूड के रूप में कार्य करता है। हमारे शरीर में स्टोर फूड हो जाता है ना ग्लाइकोजन के फॉर्म में, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स ही वर्क करता है। आगे क्या लिखा मैंने? सेलुलोज के रूप में। सेलुलोज किसमें पाया जाता है? आपको याद रखना है प्लांट्स में होते हैं। किसमें होते हैं? प्लांट्स में, यानी कि पादप में। सेलुलोज के रूप में पादप कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। कोशिका भित्ति आपको पता है ना, सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल वॉल होता है। सेल वॉल किसका, किससे मिलकर बना होता है? सेलुलोज से मिलकर बना होता है ना। प्लांट में सेल वॉल होता है और एनिमल में जो होता है सेल मेम्ब्रेन होता है। आपको ये बात मैंने सेल चैप्टर में बता दिया था। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा।